क्या आपको पता है यूनिवर्स का मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां जाके फिजिक्स के सब रूल्स फेल हो जाते हैं। इस लिमिट को कहा जाता है प्लैंक टेम्परेचर, जिसका नाम रखा गया था जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक के नाम पर। प्लैंक टेम्परेचर लगभग 1.416808 × 10⁻³² केल्विन होता है, यानी 141,680 ऑक्टिलियन केल्विन है। अगर कंपेयर करो सन की एवरेज टेम्परेचर सिर्फ 5,778 केल्विन है, मतलब प्लैंक टेम्परेचर लगभग 24 ऑक्टिलियन टाइम्स ज़्यादा गर्म है। ये है सबसे ज़्यादा पॉसिबल टेम्परेचर जिससे हमारी नॉन फिजिक्स एग्जिस्ट करती है। इसके बाद मैटर और एनर्जी दोनों का मतलब ही खत्म हो जाता है। इस टेम्परेचर पर एनर्जी इतनी एक्सट्रीम होती है कि चारों फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक सिंगल अल्टीमेट फोर्स में मर्ज हो जाते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से जब यूनिवर्स नया नया बना था, यानी बिग बैंग के तुरंत बाद, जिसे प्लैंक इपोक कहते हैं, प्लैंक टेम्परेचर कुछ माइन्यूट सेकेंड्स के लिए था, जैसे 110 डियोड डेसिलियन सेकेंड्स तक हुआ। तब पूरा यूनिवर्स इसी टेम्परेचर पर था या उसके आसपास। उसके बाद यूनिवर्स रैपिडली एक्सपैंड हुआ और टेम्परेचर ड्रॉप होता गया। तब से लेके आज तक यूनिवर्स में कभी भी इतनी टेम्परेचर फिर नहीं हुई और शायद कभी आगे भी होगी, क्योंकि उस एक्सट्रीम लेवल पर हमारी फिजिक्स फेल हो जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी दोनों काम करना बंद कर देते हैं। एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल टूट जाते हैं और स्पेस टाइम खुद अनस्टेबल हो जाता है। उस मोमेंट पर यूनिवर्स पूरे कैओस बन जाता है, ना सॉलिड, ना गैस, ना प्लाज्मा, सिर्फ एनर्जी का एक वाइल्ड ओशन जहां कुछ भी स्टेबल नहीं हो पाता। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना मिस्टीरियस है हमारा यूनिवर्स।